हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है टेचार के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। दोस्तों, जब आप नॉर्मल फोन यूज करते हैं तो उसमें एक स्क्रीन चलता है जिसमें कि आप एक बार में एक ही एप्लीकेशन को चला पाते हैं। अगर आप चाहें कि अगर एक साथ यूट्यूब को भी चला लें और उसके साथ अपने व्हाट्सएप को भी यूज करें तो वैसे नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप एक साथ एक मोबाइल में दो स्क्रीन कैसे चलाएं। यानी अगर आप चाहें कि ऊपर में कोई YouTube का वीडियो चले और नीचे में आप WhatsApp यूज करें या फिर और भी कोई एप्लीकेशन यूज करें तो आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहें इंड तक। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट। उससे पहले कि अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों, आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा एक स्क्रीन जिसमें कि ये पूरे स्क्रीन एक ही दिख रहे हैं। अगर हम इसमें व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं तो पूरे स्क्रीन में एक व्हाट्सएप ही ओपन हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि यूट्यूब देखना, वो यूट्यूब चालू करना, तो इसे बैक आना पड़ेगा, इसे कट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फिर यहाँ से यूट्यूब चलना होगा, यूट्यूब ओपन करना होगा। तो इसके बाद यहाँ आप देखते हैं पूरे स्क्रीन में यूट्यूब चालू हो गया। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि एक साथ दोनों को चलाएं, यूट्यूब भी ऊपर में चलाएं या फिर नीचे और साइड में फिर ये व्हाट्सएप भी चलाएं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दो ट्रिक बताऊंगा जो कि दोनों सिंपल है, ठीक है, जिससे कि आप इस एक स्क्रीन को जितना चाहे उतने स्क्रीन में बदल सकते हैं, दो चार जितना चाहे उतना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहला ट्रिक बताता हूँ। तो पहले मैं अपने YouTube को ओपन कर लेता हूँ और मैं YouTube के साथ WhatsApp यूज़ करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप अभी YouTube देख रहे हैं, मैं ओपन कर लिया हूँ और ये YouTube एक स्क्रीन में, पूरे स्क्रीन में है। तो पहला ट्रिक में है, देखिए दोस्तों, ये वाला जो जिससे आप हिस्ट्री क्लियर करते हैं यहाँ पे, उस पर आप लॉन्ग प्रेस ऐसे दबा के रखिए ऐसे, तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप अपने WhatsApp को या फिर जो भी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं इसके साथ, उसको ओपन कर लीजिए। तो मैं अपने WhatsApp को ही ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये दो स्क्रीन में चेंज हो गया। यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग या फिर जो भी आप चलाना चाहते हैं, चलिए मान लीजिए ये बंद कर लेते हैं, यहाँ से आप ये YouTube ऊपर से चला सकते हैं और नीचे से आप किसी पास यहाँ से आप चैट भी कर सकते हैं और एक साथ दोनों काम हो जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं आप। फिर ऊपर आप वहाँ आप चाहें तो वहाँ फेसबुक भी, टेलीग्राम या फिर जो भी कुछ सोशल मीडिया आप चाहते हैं कि इंस्टा और फेसबुक पे दोनों साथ, दोनों पे एक साथ एक्टिव रहें, एक साथ ऑनलाइन दिखें, तो आप ऊपर में ये इंस्टा स्टार्ट कर लीजिए या फिर फेसबुक, और नीचे में जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी जिस पे भी आप एक्टिव रहना चाहते हैं उसे ओपन कर लीजिए। तो चलिए अब इसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऊपर यूट्यूब है उस यूट्यूब को नीचे रखें और ये व्हाट्सएप को ऊपर रखें, तो यहाँ देखिए इस पर जो सफ़ेद कलर का छोटा सा लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सचेंज का इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपको चेंज हो जाएगा, व्हाट्सएप ऊपर चला गया, यूट्यूब नीचे आ गया, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और, इसमें जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, ग्रीन लाइन ये नीचे अभी दिख रहा है नीचे, तो ये अभी अगर आप बैक कीजिएगा तो नीचे का काम करेगा, मतलब जो YouTube है उसके साथ काम करेगा ये, देखिए। और ये जो अगर इस पर ऊपर में कहीं भी क्लिक करते हैं WhatsApp पे, तो ये देखिए लाइन जो है ऊपर चला गया। तो अब आप अगर बैक करेंगे तो यहाँ से आप ऊपर वाले WhatsApp में वर्क करेगा ये। और आप अगर चाहते हैं कि इसे कट करें तो यहाँ पे ये छोटा सा सफ़ेद कलर का लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो क्रॉस है इस पर क्लिक कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, फिर एक ही आ जाएगा। और आप यहाँ ये जो है यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ऊपर करें तो नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर का छोटा हो गया, और ये अगर नीचे कर दें तो YouTube बड़ा हो गया, नीचे WhatsApp छोटा हो गया, तो आप ऐसे ही एडजस्ट भी कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इसे पूरा नीचे ऐसे कर दें तो ये एक ही स्क्रीन आ जाएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि, चलिए फिर से हम वहीं चल जाते हैं, ओपन कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये कट हो गया ऐसे आ गया, तो आपको ये नीचे खींच के इसे पूरे स्क्रीन में ला सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसको एंड कर दें तो इसको आप ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे कर दें, ऊपर चला जाएगा, ये एंड हो जाएगा, या मैं जो बताया वो क्रॉस वाला, क्रॉस पे क्लिक करके आप एंड कर सकते हैं।
हाँ, तो अब चलिए दूसरे ट्रिक के बारे में आपको बताते हैं। अगर ये ट्रिक आपके फ़ोन में काम नहीं किया हो तो चलिए अब व्हाट्सएप को, चलिए अब हम एक साथ आपको, चलिए मान लीजिए व्हाट्सएप को ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ दूसरे यूट्यूब को ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे हिस्ट्री जैसे क्लियर करते हैं तो ऐसे कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ आप देखिए यहाँ लिखा है स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप उसी तरह से ये भी हो गया फिर से, और फिर वैसे ही जैसे जो भी आप इसके साथ चलाना चाहते हैं तो उसको ओपन कर लेंगे, तो देखिए सेम, और फिर सारा कुछ हो ही आ गया ऑप्शन। तो इसी तरह से आप कोई भी, ये मेरा ही वीडियो ओपन हुआ है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो इसी तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो दो चार भी एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी इस वीडियो में दो ही एप्लीकेशन को एक साथ चलाने बताया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ चार एप्लीकेशन को यूज करें, चार स्क्रीन में बदले एक स्क्रीन को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा कि एक स्क्रीन में चार स्क्रीन कैसे करें, चार ऐप यूज एक साथ कैसे करें। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।